थैंक यू वेरी मच आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए तो आ, हम वाइटल बॉडी मेडिसिन यानि कि चक्र मेडिसिन की बात कर रहे हैं और उसके कुछ एपिसोड्स हैं जिसमें हमने अपने जो प्रैक्टिकल पार्ट भी हमने डिस्कस किया और अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है ईगो एंड सेल्फ यानी कि सीलिएक प्लेक्सिस यानी कि मणिपुर चक्र हम उसकी बात कर रहे हैं तो जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने जर्नल भगवत गीता की इन्फॉर्मेशन दी और उससे पहले ब्रो चक्र में भी रिमेंबरिंग ऑफ धर्मा करके भी हमने बात की कि हमारा रियल में जो मीनिंग ऑफ धर्मा है वो क्या है और हमने ये बातें करने के बाद हमने कहीं गहरे तल पे ये बात समझ आई होगी कि जो ज्ञान के सेंटर्स हैं वो हमारी विश्वती चक्र से ऊपर के सेंटर्स ज्ञान के सेंटर्स आते हैं जहाँ पर हमें जो भी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन के माध्यम से या नॉलेज के माध्यम से या हम उनको एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सीखते हैं तो वो ज्ञान के जो सेंटर्स हैं वो ऊपर हैं और जो प्रेम का जो सेंटर है वो हमारा हार्ट है और उसे नीचे के जो तीन सेंटर हैं वो हमारे कर्म के सेंटर है अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो फिजिकलिटी है हमने पिछली बार जो बात की थी कि जो हमारा भौतिक शरीर है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारा मणिपुर चक्र है और उसके अंदर जितने भी हमारे मणिपुर चक्र में जो ऑर्गेन्स आते हैं आप उसको वन बाय वन करके जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ईसोफेगस का नीचे वाला पार्ट आता है फिर स्टमक आता है स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है छोटी आंत यानी कि छोटी आंत के बाद अगर हम राइट साइड देखें तो लिवर आता है और अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो स्प्लीन और पेनक्रियाज आता है और उसके नीचे वाले हिस्से में देखें तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लार्ज इंटेस्टाइन के भी टू पार्ट आते हैं जो कि हमारा जो ट्रांसफर स्कॉलन है लोंगीटनल साइड है वो हमारा इस मणिपुर चक्र में कवर होता है तो ये हमारा जो फिजिकल जो पार्ट है उसमें गोल्फ ब्लेडर भी रह गया तो ये जो टेन पेटल्स हैं टेन पेटल्स मीन्स कि हमारे जो ऑर्गेन्स हैं जो टेन वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं अब हमने ये भी देखा कि जो जैसा ऑर्गेन होगा उसका कलर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वैसे ही अंदर का जो सूक्ष्म शरीर का जो इथरिक बॉडी है जो प्राण शरीर है और जो एस्ट्रल बॉडी है वो भी उसी कलर के होने लगते हैं जैसे कि हमने पिछले बार जो बताया था कि कोई ऑरेंज कलर का है कोई येलो कलर का पार्ट है कोई रेडिश कलर का पार्ट है कोई ग्रीनिश कलर का पार्ट है और वो जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे वैसे हमारे भाव और जैसे जैसे हमारे कर्म के अनुसार हमारी क्रियाएं होती हैं उसी के अनुसार ही हमारे मणिपुर चक्र के ऑर्गेन्स के ऊपर इफेक्ट आता है जैसे कि हमने पिछली बार जो बात की थी कि जैसे लुई सेल है कि अगर हम अल्फाबेटिकली जो उन्होंने दिया कि अगर मान लो बैक एक में पेन है तो आपके कौन से बैक के एरिया में है सेक्रम में है या लंबर में है या आपके थोरेसिक रीजन में है तो पर्टिकुलर एरिया में जो पेन है या पर्टिकुलर एरिया में जो डिसऑर्डर है वो पर्टिकुलर थॉट की वजह से है ऐसे ही हमारे जो मणिपुर चक्र के जो ऑर्गेन्स हैं उसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जीज जो हमारे थॉट प्रोसेस के साथ फ्लो करती हैं वो ही हमारी एनर्जीज वहाँ पे यानी कि जो फिजिकल बॉडी है जैसे कि ये हमारी अगर फिजिकल बॉडी है तो इसके चारों तरफ जो हमारी इथरिक बॉडी है यानी कि जो प्राणमय शरीर है वो प्राणमय शरीर और उसके चारों तरफ जो एस्ट्रल बॉडी है उसके ऊपर इम्पेक्ट आता रहता है और वो जो एस्ट्रल बॉडी है वो भी मूवमेंट में रहती है यानी कि हमें लगता है कि लिवर हमारा फिक्स पार्ट है हमें ये लगता है कि जो स्टमक है वो हमारा फिक्स्ड पार्ट है हमें ये लगता है कि जो इंटस्टाइन है वो फिक्स्ड पार्ट है लेकिन अगर हम हमारी ये प्रैक्टिस हो जाए कि ये जो स्टमक है जो हमारा स्मॉल इंटस्टाइन है लिवर है इसके जो चारों तरफ की जो बॉडी है वो हमेशा मूवमेंट में रहती है और वो नॉन लोकल साइड है नॉन लोकल का मतलब जो हमारी एनर्जीज दिखाई नहीं देती तो हमने इस पार्ट को हमने पढ़ा उसके साथ एक छोटा सा पार्ट और हमने बताया था कि जो रुडोल्फ स्टीनर है वो ये बोलते हैं कि ये अनकॉन्शियस रीज़न है अनकॉन्शियस रीजन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे नेक से नीचे का जो पार्ट है ये अनकॉन्शियसली ऑटोनोमस सिस्टम है हमारी बॉडी का अगर हम इसको मॉडर्न से कंपेयर करते हैं तो ये कहते हैं कि ऑटोनोमसली जो हमारे विचार आते हैं और स्पेसिफिकली जो इमोशंस हैं वो डीप रूटेड जो इमोशंस होते हैं वो हमारे मणिपुर चक्र के साथ ही इम्पेक्ट डालते हैं ये की, fundamentals of therapy में ये की में लिखा हुआ है तो अनकॉन्शियस रीजन का मतलब ये हुआ कि हम उसको आ, महसूस नहीं करते अनकॉन्शियसली जो हमारे विचार चलते रहते हैं हम खाली भी बैठे होते हैं तो हमारे कुछ विचार जब चलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम उन विचारों के साथ क्या हुआ होगा जब विचार खत्म हो जाते हैं हम उठके कोई काम करने चले जाते हैं तो हमें नहीं पता कि उससे पहले के मिनट जो हमने थॉट प्रोसेस में लिया उसका इम्पेक्ट हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर क्या पड़ता है तो ये रुडोल्फ स्टीनर की जो थ्योरी है वो हमने थोड़ा सा उसको को करके बताया कि मणिपुर चक्र और नीचे के जो और दो चक्रास हैं वो हमारे अनकॉन्शियस रीजन में आते हैं। नीचे वाला तो मूलाधार तो और भी नीचे का जो विल पावर है उसमें आता है अकॉर्डिंग टू रूडोल्व स्टीनर तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मणिपुर चक्र है वो मणिपुर चक्र या हमारा प्लेक्सिस वहाँ पर अलग अलग हमारे जो थॉट प्रोसेस है जो हमारी फीलिंग्स हैं अब जैसे ही मैं फीलिंग्स बोलती हूँ तो आप समझिए कि ये प्राण में शरीर की बात है थॉट्स बोलती हूँ तो ये मनोमय शरीर की बात है अब ये जो फीलिंग्स हैं ये सारी अपनी इंफॉर्मेशन सीलियक प्लेक्सिस के माध्यम से सीलियक नोड के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से हमारे ब्रेन में भेजते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम रिएक्शन करते हैं मणिपुर चक्र थोड़ा सा लंबा इसलिए है क्योंकि उसी के साथ नीचे के जो दो चक्रास हैं वो भी मिले हुए हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं उससे और जल्दी समझ आएगा जैसे मान लो जो मूलाधार चक्र है वो हमारे जन्म स्थान से हमारे कर्म स्थान से जुड़ा हुआ है अब मान लो कि जो मूलाधार चक्र है वो हमारी प्रॉपर्टी रिलेटेड हमारी जॉब रिलेटेड एरिया से भी जुड़ा हुआ है आप मान लो कि मेरे पास प्रॉपर्टी ज्यादा है या मान लो कि मेरे पास एक अच्छी बड़ी जॉब है ऐसे मान सकते हैं या मेरे पास मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरे पास पैसे ज्यादा है आप मूलाधार चक्र में ये सब एरिया काउंट होते हैं नीचे के एरिया जो एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं कि हमें उन चीजों को छोड़ देना चाहिए मतलब उसमें वो भाव नहीं आना चाहिए कि हाँ अटैचमेंट का भाव नहीं आना चाहिए लेकिन आ, क्या होता है कि मेरे पास अगर पैसा ज्यादा है तो मैं सामने वाले को अपने मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र यानी कि फायर एलिमेंट यानी कि ईगो के अकॉर्डिंग मैं तोलूंगा तोलता हूँ क्योंकि ये मेरा ऑटोनोमस सिस्टम में ये मेरा बेसिक मेरी सोसाइटी की जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सीखा ठीक है अब मैं सामने को जब तोलूंगा तो मेरे पास ईगो फैक्टर भी है और मेरे पास वो मटेरियलिज्म का या मेरे पास वो मनी का फैक्टर भी है या बिजनेस का फैक्टर भी है मेरे को वो तरीका ही नहीं आ रहा कि मैं अपने सामने वाले से कैसे बात करूं बात ये नहीं है कि आ, हमने मणिपुर चक्र की एक्सरसाइज सीख ली और बात यह भी नहीं है कि हमने मणिपुर चक्र को जान लिया बात यह भी नहीं है कि हमने सारी पुस्तकों को कंपेयर करके बता दिया बात ये है कि हम उसको जीवन में कितना अपनाते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या जैसे ही हमारे अंदर पैसे का या बिजनेस का या जॉब का जब भाव आता है तो उसके अंदर कहीं अगर ईगो फैक्टर आता है तो मेरा मणिपुर चक्र यानी कि मेरे वो ऑर्गेन्स प्रभावित हो है। आ रहे हैं आपको समझ कि वो थोड़े थोड़े जो मेरे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे रोज की जर्नी में चलते रहते हैं और ये सारे चक्रास का हमारा आपस में कनेक्शन रहता है तो हमें अब ये बात सीखनी है कि ईगो जो फैक्टर है वो मणिपुर चक्र से या जो सेल्फ का फैक्टर है सेल्फ का फैक्टर क्या आएगा जैसे ईगो का फैक्टर अभी एग्जाम्पल दिया ऐसी सेल्फ का फैक्टर भी है सेल्फ का फैक्टर ये है कि आपके पास पैसे हैं आपको वो तरीका आ गया है अवेयरनेस में उस काम को करने का जैसे मान लो कि आ, हम किसी शॉप पे जाते हैं किसी ब्रांडेड शॉप पे जाते हैं तो आप एक रुपया भी कम कराने की नहीं सोचते हैं आप कहते और रिक्शा वाला या ऑटो वाला अगर हमारे से पंद्रह रुपये मांगता है तो हम उससे भी लेन देन करते हैं कि नहीं पंद्रह रुपये नहीं बारह रुपये करना चाहिए अब अपने आप को देखें कि आप कि ये एनर्जीज कहाँ कहा, कहा तक फ्लो करती है जहां पर हमें लगता है कि हमें यहाँ पर हमें आर्ग्यू करने से हमारी बात बन जाएगी या हमें आर्ग्यू करना चाहिए हमें वहां पे दूसरी तरफ उसको अगर हम सेल्फ में है हम ईगो और सेल्फ की बात कर रहे हैं सेल्फ में है तो हम उस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके अगर हम अवेयरनेस में हैं तो हम उस अवेयरनेस के माध्यम से अंडरस्टैंड करके हम अपने दोनों चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे दोनों चक्रास की एनर्जी में फर्क आएगा वो इंबैलेंस होंगी क्योंकि ईगो है नहीं भाई नहीं मुझे तो पंद्रह रुपए में जाना ही नहीं तुम बारह रुपए दोगे तभी करूंगा या तुम आ, हम जब ऐसी बातें करते हैं तो उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है अब हम इसी के साथ एक चीज़ मैं और कनेक्ट करती हूँ जिसमें हम और जस्सी मैम जब जस्सी मैम होती हैं तो वो कुंडलनी की बात जब हमने करी थी तो कुंडलनी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको पिछले से पिछले से पिछले एपिसोड में शायद ये बता कि जो सोलर एनर्जीज़ होती हैं उसमें तीन तरह की धरती पर आती है हम सोलर फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसीलिए नौ ग्रहों का इफेक्ट हमें हमारे जो स्टार्स हैं उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आते है क्योंकि हम उस सोलर फैमिली के पार्ट हैं ये भी हमें साथ में समझने की जरूरत है अब जैसे कि तीन जो सोलर एनर्जीज़ थी उसमें एक थी फोहट एक एक थी कुंडलनी और एक थी प्राण तो प्राण की तो बात हम वाइटल बॉडी मेडिसिन में बार बार हम प्राण बॉडी की बात करें हम कहीं फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ मोटे तौर पे हम उस फिजिकल बॉडी को सामने रखे हुए हैं प्राण के साथ ही हमारी जो दूसरी बॉडी है वो है हमारी दूसरी एनर्जी है कुंडलनी और तीसरी एनर्जी है फोहट फोहट क्या होती है फोहट एनर्जी होती है जो कॉस्मिक एनर्जी होती है जो कन्वर्ट होती रहती है लेकिन कुंडलन ही वो होती है जो अवेयरनेस लाती है अवेयरनेस लाने का मतलब यह है कि जैसे अब आज हमने अगर आ, किसी से बात की और उसमें लिटिल बिट भी अहंकार आ गया या हमने किसी से बात की और हमने बहुत चलाकी से उसके साथ बात कर ली या हमने उससे बात की और उसमें हम ड्यूएलिटी में आ, उस थोड़ी सी बात को बना गए, ठीक है आ, वो व्यक्ति जा चुका हो और हम जैसे ही अकेले बैठे होंगे पीछे से नॉकडाउन होना शुरू हो जाएगा कि कुंडलनी शक्ति है वो आपको अवेयरनेस की तरफ धकेलेगी कि तुमने तुम गलत कर रहे हो तुमने गलत किया और तुम्हें सुधार करना चाहिए आप कोई भी अपना जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं तो क्या होता है कि जब हमारे अंदर वो आवाज वॉइसिस आनी शुरू होती हैं तो वो ईगो को भी कट डाउन करना शुरू करता है तोड़ना शुरू करता है प्रैक्टिस करना एक अलग बात है मणिपुर चक्र की हम मॉर्निंग इवनिंग जो प्रैक्टिस करते हैं चक्र मेडिसिन की लेकिन जो डेली रूटीन में आपके साथ जो हम बात करते हैं एक्टिविटीज में जब शामिल होते हैं तो उसमें जो ईगो फैक्टर है उसमें हम बार बार उसको काउंट डाउन करते हैं कि जो कुंडलनी है वो हमें बार बार अवेयर करती है कुंडलनी हर एक प्लेन के ऊपर मिलेगी हर एक प्लेन का मतलब ये है कि हम चाहे लोअर स्ट्रेटा हम चाहे हम इंसेक्ट बींग है चाहे वो एनिमल बींग है चाहे वो प्लांट बींग है और चाहे वो ह्यूमन बींग है और चाहे ऊपर जो मास्टर्स हैं उनके साथ भी तो जो कुंडलनी होती है वो हमें अवेयरनेस सिखाती है अब हमें ये बात समझ आ गई कि जो अवेयरनेस है वो हर लेवल पे हमें अवेयरनेस का मतलब ये हो गया कि वो हमें कुंडनली इवॉल्व करना चाहती है यानी कि मूलाधार में वो सोई हुई पड़ी है और एकदम से अब हम जैसे बातें कर रहे हैं तो हमें कुछ कुछ नई चीजें ध्यान में आती है ये जो अवेयरनेस है ये भी कुंडलनी शक्ति का जागना है ठीक है तो हम जब जागते हैं हमने अभी एग्जाम्पल दिया मान लो हम उसी एग्जाम्पल को फिर से उठाते हैं कि हमने रिक्शा वाले को पंद्रह रुपये उसने मांगे और हमने बारह रुपए की बहस की एक दिन कर ली हम फिर कभी मार्केट में गए तो हमने फिर से बारह रुपए की हमने चौथी बार जब हम जाएंगे तो हम शायद उस बहस को नहीं करेंगे हमारे अंदर वो अवेयरनेस आ चुकी होगी कि यार तीन रुपये हम पैसे भी तो दान में दे ही सकते हैं एक हमारी ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा एक और भी आएगा कि हो सकता है कि भी पंद्रह ही रुपए हो हम वैसे ही घटाना चाहते हैं तो हमारी जो कुंडलनी शक्ति है वो हमें अवेयर करती है कुंडलनी शक्ति मूलाधार स्वातिष्ठान और मणिपुर इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्टिवेट करना सिखाती है उसके बाद तो हमारा फ्लो चलता है हृदय चक्र में ऑटोमेटिकली फ्लो होता है हृदय चक्र में इतनी हमें जरूरत नहीं होती जितनी कुंडलनी शक्ति जो तीनों हमारे सेंटर्स से है उसमें जरूरत होती है। तो कुंडलनी शक्ति क्या करती है कि वो हमें जगाती है अब हम कुंडलनी शक्ति के साथ एक पार्ट और जोड़ते हैं कि मान लो मैंने सामने देखा और मैंने बात की कि भाई पंद्रह रुपये इस बार हम पंद्रह रुपये ही दे देते हैं और अच्छे बन जाते हैं और हम अच्छे बन गए और अंदर से खुशी भी हो गई कि हमने पंद्रह रुपए दिए और एक सेटिस्फेक्शन भी हो गई हमारी कुंडलनी शक्ति जाग गई थोड़ी देर के लिए अब हम फिर भी नाप तोल करने लगे तो ये कुंडलनी शक्ति भी फिजिकल लेवल पे जो हमारे साथ एक एक्टिविटी हुई हमने उस उसके माध्यम से हमने कुछ लिटिल बिट पार्ट सीखा लेकिन वो मेरे प्राण में शरीर और उससे पीछे का जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें अभी पक्व अवस्था नहीं हुई हम हमने फिर से कुछ महीनों के बाद हम फिर से गए मार्केट में और फिर से हमने देखा कि आ, हमें हमने रिक्शा की बजाय हमने एक ऑटो वाला कर लिया या हमने गाड़ी कर ली उबर कर लिया और हमने फिर से ये आर्गुमेंट शुरू कर दिया सही आर्गुमेंट इज ओके बट अगर हम हद से ज्यादा ही उस आर्गुमेंट को करते तो हमें ये इंटरनल ये देखना है कि आप एनर्जीज़ कहाँ कौन से चक्र में फ्लो कर रही तो क्या करती है कि कि वो धीरे दिखाती है जैसे हमने जब बात की थी कि हम एलिमेंटल किंगडम से हम मिनरल किंगडम में और मिनरल किंगडम से हम प्लांट किंगडम में और प्लांट किंगडम से हम एनिमल किंगडम में और एनिमल किंगडम से हम ह्यूमन किंगडम में आते और हर जगह ही कुंडलनी जो अवेयरनेस है वो हमें नई नई चीजों की एक्टिविटी के माध्यम से हमें वो जगाना सिखाती और वो जो कुंडलनी है वो एक जगह जगाना नहीं सिखाती वो हमें अः पक्व अवस्था तक पहुंचाती है हम कच्ची अवस्था में सीखते हैं पहले फिर धीरे धीरे पक्व अवस्था होते होते जैसे हमने पिछली बार कर्मों की बात की थी कि अकर्म से कर्म करना उससे अधिक कर्म करना और उससे कर्म करना गलतियां करते हैं अवस्था तक पहुंचते हैं सेम जो कुंडल वो जो फोर्स है उसका काम सिर्फ इतना है पूरे जगत में काम ही इतना है कि वो सिर्फ अवेयरनेस लाना सिखाती है चाहे वो एनिमल किंगडम में हो और चाहे वो ह्यूमन किंगडम में हो तो कुंडलनी क्या करती है कि वो स्टेप बाय स्टेप सब सब मैथमेटिक्स फिक्स है अगर हम अपना मन अंदर जोड़ लेते हैं ईगो आ जाता है, तो हमारा मैथमेटिक्स जो नेचर का जो क्रिएशन का मैथमेटिक्स है वो टूट जाता है और हमारा मन के अंदर हम बह जाते हैं जैसे कुंडलनी अवेयरनेस की बात हम कर रहे हैं तो एक चीज मुझे बीच में याद आ गई कि जो कुंडलनी है अगर हम उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम कई बार क्या करते हैं बहाव में आके और हम कुछ दिखाने के मात्र से या सुपरफिशियली दिखावे के मात्र से कुछ चीजें कर डालते हैं बाद में हमें रियलाइजेशन होता है कि वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमें ऐसा नहीं करना था क्योंकि हम हवाबाजियों में आ जाते हैं और बाद में हमें रियलाइजेशन होता है कि ये हमने गलती की और ये गलती का जो रियलाइजेशन करवाना सिखाते हैं ये सिर्फ कुंडलनी सिखाते है कि आगे से तुम ये गलती मत करना। लेकिन फिर सेकेंड टाइम अगर हम गलती करते हैं फिर थर्ड टाइम हम गलती करते हैं फोर्थ टाइम गलती करते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप जो हम गलतियां करके सीखते हैं ये भी कुंडलनी का ही पार्ट है तो हम जब मणिपुर चक्र यानी कि जो हमारा ईगो और सेल्फ सेल्फ आइडेंटिटी जहां पे हम ईगो को छोड़ के ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी इन दोनों में जिस दिन हम डिफरेंशिएट करते हैं उस उस दिन हमें अपने आप दूसरों के साथ बिहेव करना आ जाता है अब इसमें जो कुंडलनी का जो पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा और एलोब्रेट करती हूँ क्योंकि कुंडलनी साथ साथ चलती है जैसे जो नीचे से जो ये सोई हुई है और सोते सोते जब ये जागती है तो कुछ देर तो जागेगी और जैसे जो होती हैं कुंडलनी जगा लेते हैं और कुंडलनी जगाने के बाद वो रिद्धियां आने लगती हैं वो कहते हैं भाई मेरा तो फ्लो बना हुआ है तो वो कुंडलनी का एक पार्ट ये भी होता है कि जिसमें हम एक पोर्टल हमारा खुल जाए और हम उसी चीज को उसी में बह जाए और कुंडलनी का जो साइड इफेक्ट बोला जाता है या कुंडलनी का जो बैड इफेक्ट है वो ये भी आता है कि उसकी जो एनर्जी है जो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है और इससे बहुत सारी एनर्जी लूज हो के बहुत सारे हमें बॉडी के अंदर डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं रीजन बिंग कि जैसे मान लो अब हम मणिपुर चक्र की बात कर रहे हैं हम ये सोचने लग जाए हमारे पास क्योंकि ईगो का ही ये सारा पार्ट है हमारा और हम ये सोचने लग जाए हमारे पास हम ईगो से भरे हुए हैं नार्सिस्ट हमने पिछली बार भी बात की थी नार्सिसिज्म है कि हम अपने आप को ही समझदार समझने लगते हैं हमें लगता है कि देखो हम स्पिरिचुअलिटी में हैं और हम ही सबसे ज्यादा समझदार हैं ये हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव में जजमेंटल होने लगते हैं जजमेंटल होने का मतलब कि हम ये सोचने लगते हैं कि भाई मैं तो क्योंकि देखो इतनी सारी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ता हूँ तो दूसरे वाले से तो मैं कहीं ना कहीं ज्यादा समझदार हूँ तो ऐसा होता है तो हमारा जो ईगो का जो फ्लो है उसमें कुंडलनी टेस्ट लेती है और जो अवेयरनेस तो बढ़ गई अब एक अवेयरनेस बढ़ते 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 मुझे लगने लगा कि अब मैं ही मुझे ही सब कुछ आता है और दूसरे को अगर आता है तो मेरे से कम आता है हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो वो क्या है कि वो एक ब्लास्ट होता है जब हम ईगो जब और बढ़ जाता है तो हमारी मेंटल बॉडी के ऊपर उसका इंपैक्ट आता है और मेंटल बॉडी ही कोलेप्स कर जाती है तो इसीलिए यहाँ पे जो कुंडलनी है उसका रोल भी ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी के साथ बताया गया है इसके साथ जो कुंडलनी है उसका एक इम्पैक्ट ये भी है साथ में कि जो हमारी तीन बॉडीज हैं फिजिकल बॉडी है और हमारी इथरिक बॉडी है यानी कि प्राण शरीर है और एस्ट्रल बॉडी है इन तीनों का रिलेशनशिप होता है और कुंडलनी क्या करती है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो फिर से हम उसी बात को ये एग्जाम्पल लिया था एक हम पिछले से पिछली बार हम बहुत सारी बार एग्जाम्पल लेते हैं बिस्किट वाला एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं तो अब हमारे घर में तीन चार तरह के बिस्किट हैं और हमें अवेयरनेस कुंडलनी सिखा रही है हम थोड़ा सा मूलाधार से ऊपर उठे आज हमारे पास गेस्ट आए आज तो हमने भेदभाव नहीं किया आज तो हमने जोन सा बिस्किट सामने आया दे दिया कुंडलनी जाग गई कच्ची है अभी इमेच्योर बोलते हैं उसको तो वो जो कुंडलनी है अच्छा बनने के लिए ईगो आ रहा है साथ में कि आज तो मैं बहुत अच्छा हूं क्योंकि आज मैंने ये बात इक्वलिटी करके मैंने अपने सामने गेस्ट को दे दी लेकिन अगले दिन फिर कोई गेस्ट आए अगले दिन हमसे गड़बड़ हो गई तो कुंडलनी क्या हुई दोबारा से जो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में गई थी वो फिर से डाउन वहीं पे मूलाधार चक्र में जाके फिर से सो गई बैठ गई उसको डार्क जोन एंड लाइट जोन क्योंकि मणिपुर चक्र फायर एलिमेंट है तो वो लाइट जोन है और जो नीचे का एरिया है वो डार्क जोन है उसको जगाना पड़ता है जगाना पड़ता है सबसे डिफिकल्ट है मूलाधार चक्र से लेके और मणिपुर चक्र को जगाना इसीलिए इसको एक्टिविटी पार्ट बोला गया इसीलिए इसको विल पार्ट बोला गया इसीलिए इसको कर्म बोला गया कि बार बार जगाओ भाई अपने हाथ से काम करो और आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही काम करो तो कुंडलनी क्या करती है कि धीरे धीरे अवेयरनेस क्योंकि पीछे से आ रहा है कॉस्मिक एनर्जी है ये तो कॉस्मिक एनर्जी जो फोहट है और जो कुंडलनी है जो वाइटल है ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है हमारा कंट्रोल नहीं है हमें ये बार बार अवेयरनेस देती है कि अब तुम एक भौतिक स्तर पे जो सामने से जो सेंस के जरिए सेंसेस के जरिए हम जो सीखते हैं और उसके बीच में जो हमारा प्राण शरीर है वो हमारे फ्लो में उस चीज को पक बनाता है ब्लू बनाता है और ब्लू बनाने के बाद जो पीछे एस्ट्रली जो हमें मैसेजेस मिलते हैं उस मैसेज से जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको भी बनाता है जैसे अभी हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि आज तो हमने बिस्किट दे दिए ठीक है उसमें ईगो भी बन पाया है अभी क्योंकि हमने थोड़ा सा बैलेंसिंग काम किया लेकिन अंदर ईगो जगता है ठीक है क्योंकि जैसे जैसे सत्गुन आएगा वैसे वैसे ईगो भी आता है ठीक है अब फिर से हमारे अगले दिन कोई गेस्ट आया हमने फिर से भेदभाव कर दिया अब हमने कुंडलनी को पढ़ लिया मणिपुर चक्र को पढ़ लिया ब्रोह चक्र को पढ़ लिया ज्ञान पढ़ लिया कर्म परंपरा पढ़ ली सब पढ़ लिया लेकिन तो होता है हमें पकाने की प्रक्रिया सिखाती है तो मणिपुर चक्र एक ऐसा चक्र है जिसको हम सोलर प्लेक्सिस या फायर प्लेक्सिस बोलते हैं। फायर का मतलब पिछली बार हमने बताया था कि रोशनी से भरा हुआ है जितने आप अच्छे होंगे जितने आपके हाथ पैर चलेंगे उतने अच्छे तरीके से एंजाइम्स आपके रिलीज होंगे जितना आप से चलेंगे जितना आप ट्रूथफुल होंगे जितना आप ईगो फ्री होंगे सारी बॉडी का जो फिजिकल जो डोमेन है आपका वो सारा बहुत अच्छा चलेगा लेकिन अब एक पार्ट पे हम अच्छे हैं और लेकिन एक पार्ट पे अगर हम बुरे हैं तो एक एनर्जी एक पेटल उन टेन पेटल्स में से एक पेटल डिप्लीट होना शुरू हो जाता है एग्जांपल के तौर पे लिवर सिरोसिस हो जाना लिवर डिसऑर्डर हो जाना फैटी लिवर हो जाना हां पिक्चर्स संगीता जी हां संगीता जी खाने के साथ साथ हमारे थॉटल बॉडी मेंटेन को इम्पेक्ट डालती है ये आपको डेली के रूटीन में मतलब शायद मैं तो फर्स्ट एपिसोड से ही कहती हूँ कि आपको अपनी डायरी जरूर मेंटेन करनी चाहिए और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करें क्योंकि आसान नहीं है इतनी जिंदगी मतलब निकालने के बाद किताबें पढ़ने के बाद अब मतलब पिछले लगभग छः सात सालों से अब ये फील होता है कि आप जो प्रैक्टिकली जो आ रहे हो आप प्रैक्टिकली जो बिहेव करते हो किसी के साथ तो उसका इम्पेक्ट ज़्यादा पड़ता है आपकी सेल्फ इवोल्यूशन के ऊपर सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर तो इसीलिए जो ये लाइट जो हमारा फायर वाला एलिमेंट है या मणिपुर जैसे हमने बोला था कि जो मणि है जैसे वो चमकती रहती है सेम इसी तरीके से अगर हम अपनी उस ट्रूथ के साथ काम करते हैं या हम इक्वलिटी के साथ काम करते हैं क्योंकि आपके नाभि से जो नीचे का एरिया है वो सारा आपका विल और एक्टिविटी का एरिया है खड़े होके किसी को पानी देना खड़े होके खाना देना खड़े होके अपना काम करना ये सारा फिजिकलिटी का जितना भी पार्ट है जो कर्म सिद्धांत है वो सारा हमारा लोअर चक्र से रिलेटेड है तो जब हम लेकिन आ, मैं फिर से इसमें बीच में बताती हूँ कि कुंडलनी के साथ आ, हम टेम्परेरीली जाग जाते हैं और हमारा इथरिक मेडिटेशन का और हमारी योगिक प्रैक्टिसेस का फ़ायदा क्या होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी तीनों बॉडीज का सिंक्रोनिसिटी होता है तीनों मिलते हैं और उसी के माध्यम से हम कुछ कुछ जागना सीखते हैं मेडिटेशन से हमें ये पता लगता है कि क्या मेरी तीनों बॉडीज़ मिलके काम कर रही हैं या मेरी एस्ट्रल बॉडी अलग है मेरे एस्ट्रल बॉडी में भी चक्रास होते हैं वो चक्रास अलग अपना स्टोर हाउसेस बनाते हैं जिसमें मेमोरीज़ आती हैं जिसमें परसेप्शन्स आते हैं मेंटल बॉडी का एरिया है थोड़ा सा तो हम उस परसैप्शंस में उसमें मेमोरीज में, में उलझ जाते हैं और इधर हमारा कुछ मेमोरीज कुछ और है और हम फिजिकली कुछ और करते हैं फिजिकली बहुत मीठे हैं लेकिन पीछे मेमोरीज में कि मैं ठीक है हो गया हो गया अब मैं इसको माफ नहीं करूंगा अंदर जो एस्ट्रली जो हमारा चलता है वो सारा ईगो से रिलेटेड है ये सारा पीछे का एस्ट्रल बॉडी का काम यहाँ पे ईगो से कंसर्न होता है तो हम आ, इस तरीके से हमारी जो बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गेन्स हैं जैसे अब हम स्टमक के ऊपर चलते हैं जो स्टमक है उसके अंदर जो म्यूकोजा की लाइनिंग होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और उसके अंदर जो एच सी एल स्पेसिफिकली जो द्रव्य होता है अगर मेरे अंदर उस तरह का भाव है जेलिस का भाव है तो ऑटोमेटिकली मणिपुर चक्र के हिसाब से जो फायर है अगर वो बढ़ गई तो उससे अल्सरेशन होने की बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के कॉज फैक्टर से अल्सरेशन हो सकता है इसी तरीके से हमने पिछली बार भी इस चीज को जोड़ा था कि जो लिवर है अकॉर्डिंग टू लुईस एल कि जो पिटरनेस है वो कहीं गॉल ब्लैडर और लिवर के ऊपर इम्पेक्ट डालती है तो अब हमें चेक करना है कि अगर मेरे अंदर बिटरनेस है किसी भी छोटे से छोटे पार्ट को लेकर तो उस बिटरनेस को अगर हम सुधारते हैं तो कहीं मेरी जो फायर एलिमेंट है वो बैलेंस हो पाएगा सेम इसी तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अब आप... मैं कहती हूँ कि सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है प्लेक्सिस में वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि जैसे हमने पिछली बार बात की थी भगवत गीता की यज्ञ कर्म की बात की थी कि आ जाओ तुम मेरे ही हो और आओ मैं तुम्हें खाना देता हूँ है ना तो प्रसाद और महाप्रसाद की बात की थी तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया होता है कि जैसे रोटी कच्ची है तवे पे और उसके बाद वो पक जाए मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो गई एक कच्चे से पको अवस्था तो हमारा जो मणिपुर चक्र है वो हमें पको अवस्था की तरफ लेके जाता है कि अब हम एक सस्टेनेबल जगह पे आ गए हैं और अब हमने अपना हृदय की तरफ जो लाइट है इसी को लाइट एरिया को फायर को ही बोला गया है कि ऊपर का जो वाम है हृदय की तरफ जब हम बच्चे से प्यार करते हैं तो ये वाम थूपर की तरफ पहुंचती है कि तुम मेरे हो तुम मेरे अपने हो तो प्रसाद और महाप्रसाद की बात आती है तो हम उस जो डायफ्राम का एरिया होता है जो ये डायफ्राम है उसके ऊपर हमारी वो वामथ पहुंचने लगती है जो फायर जो मनी बोला गया है इसलिए ये जो मनी का पार्ट है ये हृदय के साथ भी कनेक्टेड है आ, क्योंकि जो मनी है वो क्रॉस uh, कर जाती है साथ, मतलब लाइट में ट्रांसफॉर्म होके और लाइट में कन्वर्ट होके वो जो ग्रीन पार्ट जो हृदय का हम अनाहत चक्र में देखते हैं वो ग्रीन पार्ट इसी का ग्रीन पार्ट आता है और ग्रीन पार्ट के साथ साथ येलो पार्ट भी बताया गया है अनाहत का वो इसी का है कि तुम अब पक्व हो चुके तुम पक्के फल की तरह हो तुम दूसरों को रस देने वाले हो तो मणिपुर जो चक्र है वो रस देने वाला होता है सभी को एंजाइम्स रिलीज करता है प्यार की जो शुरुआत होती है वो यहाँ पे ईगो को ड्रॉप करके सेल्फ आइडेंटिटी से शुरू होके और ऊपर की तरफ जो हमारा जो डिवाइन लव या डिविनिटी ऑफ लव है वो हमारा ईगो जब हम छोड़ देंगे ड्रॉप कर देंगे सरेंडर कर देंगे उसके बाद फिर आपके सारे चक्रास ऑटोमेटिकली खुलने लगते हैं इसको हम और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मूलाधार चक्र है या हम स्वादिष्ठान चक्र है या मणिपुर चक्र है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम अब हम अपने अंदर जाके कि क्या मैं उस पैसे का यूटिलाइजेशन सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ क्या मैं अपनी जॉब का यूटिलाइजेशन सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ ये क्या मेरे घर मेरा जो बड़ा घर है क्या मैं उसका यूटिलाइजेशन सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ या मैं सिर्फ अपने लिए करूँ या मैं सिर्फ अपने चार बंदों के लिए कर अब ये देखना है कि अगर मैं मेरा हृदय खुला है वो लाइट ऊपर की तरफ आ रही है तो फिर वो आ, समझ लो कि मैं सबके लिए खुला है वो दरवाजे सबके लिए खुले लेकिन अगर हम सिर्फ चार बंदे ही उस घर में रह रहे हैं और चार बंदों के अलावा पांचवें बंदे को किसी को पसंद नहीं करते या हम आ, ठीक है प्लांटेशन जरूरी है उसके लिए सिंपल जरूरी है इसलिए कर रहे हैं प्लांटेशन या हम उनकी सेवा करना चाहते हैं ये अब हमें चेक करना है कि हमारा जो मणिपुर का पार्ट है वो किस तरीके से फ्लोरिश हो रहा है तो अः फिर से एक बार मतलब दोबारा से एक रिवीजन है कि जो कुंडलनी है वो हमें फिजिकल लेवल पे और एस्ट्रल लेवल पे ये एस्ट्रल है है उसके बीच में जो वाइटल बॉडी का पार्ट एस्ट्रल और फिजिकल फिजिकल में तो क्या होता है कि नीचे से जैसे हमने खाना खाया और उसके बाद तीन घंटे का प्रोसेस है शाम को फिर भूख लगाई लेकिन एस्ट्रल में क्या होता है हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ऊपर से हमारा सुपरा मेंटल बॉडी से जुड़ा होता है यानी कि कारण शरीर से जुड़ा हुआ होता है तो ये दोनों के अलग अलग इम्पैक्ट आते हैं और इधर से जो एस्ट्रल पार्ट है यहाँ पे अवेयरनेस की शुरुआत होती है तो इजी है कि हम अपने उस ईगो के पार्ट को जब हमें कुंडलनी जगाती है तो हम उसके ईगो के पार्ट को ड्रॉप करने में लग जाएं ताकि हम पको अवस्था में ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो नाभि बोला गया नाभि कमल बोला गया तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया है अगर हम इस तरीके से करते हैं हम इक्वलिटी में रहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारे सारे जो ऑर्गेन्स हैं वो ऑटोमेटिकली लाइटनिंग या प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं जिसको बोलते हैं कि हम एंजाइम्स और हार्मोन्स सही तरीके से निकलने लगते हैं इसी के बीच में जो कुंडलनी है वो धीरे धीरे सिखाती है मतलब हम ये सोचे कि कच्ची आ, कच्ची अवस्था यानी कि आज हम जागे कल सो गए परसों फिर जागे फिर सो गए ये प्रैक्टिस और धीरे 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 करके जैसे हम डी सीखते हैं एक बच्चे को सिखाते हैं ए टू जेड लिखना तो वो प्रयास करना पड़ता है बार बार सेम इसी तरीके से इस धरती के स्कूल पे भी हमें धीरे, धीरे 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 प्रयास करना पड़ता है कि हम एक बार जागेंगे तो थोड़ा सा फिजिकल बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन्स है उनके ऊपर इफेक्ट आएगा थोड़ा सा और जागेंगे तो हमारा प्राणमय शरीर क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और थोड़े से और जागेंगे तो एस्ट्रल बॉडी पे भी उसकी चमक आनी शुरू हो जाएगी तो कुंडलनी नीचे से जब ऊपर की तरफ उठती है तो वो जो स्पाइरल है वो धीरे धीरे खुलता है जैसे कि हमारी जो डीएनए और क्रोमोसोम्स के जो कोड्स होते हैं ये इस टाइप से ऐसी धीरे धीरे वो जागना शुरू होती है और ऊपर की तरफ टर्न ऑफ हो जाती है टर्न ऑन होनी शुरू हो जाती है लेकिन जैसे ही हमारे पास ईगो आएगा नार्सिसिज्म आएगा जैसे ही हम ईगो से भर जाएंगे टोटल हमारा फिर से वो कुंडलनी सो जाएगी तो हमारा डार्क जोन एरिया जो होता है जैसे हम आईबीएस सिंड्रोम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो, जो पेनक्रियास पार्ट है वो कटुता दिखाता है कटुता होता है कि बहुत ही किसी के प्रति कड़वाहट भरा होना उससे हमारा ये जो फायर एलिमेंट है वो हमारे पेनक्रियास और स्प्लीन के ऊपर इफेक्ट डालता है लार्ज इंटेस्टाइन जो एरिया होता है उसमें हमारा ज्यादातर एंजाइटी जो हम थोड़ा सा जो ज्यादा दिखावा करते हैं तो दिखावा अभी कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में कुछ और है और कमरे के अंदर आने के बाद कुछ और है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ और है ऑफिस में कुछ और है तो ये हमारा लार्ज के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट पे इफेक्ट डालता है क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारा पूरा पीछे का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है तो इस प्रकार से पूरा जो मणिपुर चक्र है उसका कनेक्शन अगर भगवत गीता की तरफ से देखा जाए तो ये कर्म परंपरा है और अगर हम मॉडर्न तरीके से देखें तो सीलियक प्लेक्सिस है और अगर हम ऑर्थरी पोल की तरफ से देखें तो ये कुंडलनी का एरिया है जो हमें बार 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 फिजिकल वाइटल और एस्ट्रल लेवल पे हमें अवेयरनेस करना सिखाता है आई थिंक think... मैं तो छुपी नहीं हुई बिल्कुल बोलती जा रही हूँ <laughs> तो अब मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा उसके बाद फिर हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे ओके okay, और नेक्स्ट उसमें आ, कुछ एक्सरसाइजेज हैं आ, वो देखेंगे तो हम ठीक है तो आ, ये एक आ, स्लाइड है मैं एक ऑथर है एच पी के साथ के ही है उनके ऑथर की ये मैं पढ़ रही थी तो इन्होंने लिखा है पास द ट्रूथ टू द नेक्स्ट जनरेशन टीच दम अर् वॉट वी लर्न लेट तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है अः क्योंकि भले ही हमें चक्र मेडिसन समझ आए ना आए भले ही हमें वाइटल बॉडी मेडिसिन समझ ना आए भले ही हमें चक्रात समझना आए लेकिन अब जो पार्ट आपके पास आ रहा है कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपको वो आ, जितना इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को दे सकते हो प्रैक्टिकली दे सकते हो ज्ञान एक अलग चीज है जैसे आप ज्ञान देने लगोगे समझ लो आपके तीनों चक्रास काम कर रहे हैं और जैसे ही आप काम करने लगोगे तो समझ लो आपके नीचे के चक्रास काम कर रहे हैं डिसाइड आपको करना है कि आप दोनों के समन्वय से काम कर रहे हैं या आप कर्म परंपरा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या आप ज्ञान परंपरा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो जितना अच्छा होगा कि कर्म जो है वो कर्म परंपरा इज बेस्ट म परंपरा इज बेस्ट बोला गया है तो चलो हम नेक्स्ट चलते हैं ये मैंने आपको सोलर एनर्जी वाला पार्ट दिखा दिया अब ये पार्ट मैंने इसलिए दिखा है ये भी उसी बुक से लिया है मैंने ये पार्ट जो आपको बीच का एरिया दिख रहा है अभी आप यहाँ पे हैं भूलोक पे हैं ये सारे अलग अलग लोग हैं आपका ट्रेवल अभी बहुत लंबी जर्नी है हम सबकी ठीक है हम सबकी जर्नी बहुत लंबी है है ना इनफाइनाइट जर्नी है मतलब हम स्पिरिचुअलिटी का जो सिक्स प्रिंसिपल है सिक्स प्रिंसिपल इज इनफाइनाइट जर्नीज हम किसी को नाप तोल में घुस ही नहीं सकते किसी का जो फिफ्थ प्रिंसिपल है उसमें आता है कि भाई अगर हम नापने तोलने लग गए कि भाई जैसे पत्री जी बोलते थे कि तुम बताओ तुम्हारे सिर पे कितने बाल हैं जितने तुम्हारे सिर पे बाल हैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी जर्नीज है। तो वो ऐसे एग्जाम्पल देते थे जब स्पिरिचुअल प्रिंसिपल उन्होंने पढ़ाया तो उसमें ये बात आती थी कि भाई इतनी सारी जर्नीज है तो तुम ये अहंकार को ड्रॉप कर दो तुम्हारे पास तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि अभी तो हमारी जो पहुंच है अभी तो धरती भूलो की पूरा नहीं हुआ तो अगले लोग कहा से पूरे होंगे तो ये मैंने दिखाया कि किस तरीके से हम धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया में जो मणिपुर चक्र है उसको ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं कि दो चीजों का सिंथेसिस होना कि आपके पास दो विचार आ रहे हैं तो आप एक विचार आया अच्छा एक विचार आया बुरा आपने दोनों का सिंथेसिस किया और उसमें से एक बाहर यस मुझे अच्छा करना है तो ये जो सिंथेसिस है जो विचारों का वो एस्ट्रल बॉडी पे चलता है एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी में चलता है लेकिन अगर आप ब्रीदिंग प्रोसेस रखते हैं आपकी फीलिंग्स अच्छे हैं यार चलो सब सब एक जैसे हैं मुझे तो महाप्रसाद को अपने जीवन में उतारना है तो वो आपका जो फीलिंग्स है वो आपका वाइटल बॉडी पे चलता है प्राण में शरीर पे चलेगा और फिजिकल बॉडी पे कुछ भी कहो आप आपको एक्शन करने ही पड़ेंगे हाथ हिलाने ही पड़ेंगे टांग हिलानी पड़ेगी मुंह हिलाना पड़ेगा सब कुछ फिजिकली अगर आपको करना है तो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार खड़े हुए और काम करें और कोई तरीका नहीं है इवॉल्व होने का ज्ञान से इवॉल्व नहीं हो सकते ज्ञान के और हमारा जो विशुद्ध प्रेम का चक्र है वो अलग है बिल्कुल तो ये तीनों का रिलेशनशिप हमें चाहिए ओके तो ये दिखाया है, मैंने तीनों पिक्चर्स में यही दिखाया है कि हम किस प्रकार से अलग अलग अपने जर्नीज को अगर करना चाहते हैं तो फास्ट करना चाहते हैं तो हमें हरेक मूवमेंट के ऊपर उस कुंडलनी को अपने साथ जोड़ना होगा कि जिस अवेयरनेस के साथ हम आगे बढ़े नेक्स्ट ये भी पिक्चर इसलिए लगाए कि हमें ये बात समझ आ जाए कि जो मैं बार बार एस्ट्रल बोल रही हूँ मेंटल बोल रही हूँ इथरिक बोल रही हूँ ग्रॉस ताकि बार बार हम रिवाइज करेंगे तभी हमें दूर से ये याद रहेगा कि जो हमारी जो फिजिकल बॉडी है और जो प्राणमय शरीर है और जो काम का शरीर है काम मतलब कि कर्म के अकॉर्डिंग हमारी कर्म इंद्रियों का कार्य है तो ये एस्ट्रल और मेंटल पार्ट है उसके बाद ये पिक्चर लगाने का पर्पज ये था कि आप देख रहे होंगे कितने सारे जो एंजलिक गैलेक्टिक जो फेडरेशन है आ, कुछ मेरे को एक महीने से गैलेक्टिक फेडरेशन की कुछ कुछ भाव अंदर से आ रहे थे और वो ये आ रहे थे कि वो ना वॉचर्स हैं, वो हमेशा हमें देखते देखते रहते रहते हैं, और वो ये भाई सबसे सुंदर लोग है और हम कर क्या रहे हैं? हमारा मतलब एक दिन में एक घंटे में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है मतलब हम घर में ही भले रह रहे हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है क्या हम इवॉल्व हुए या नहीं हो रहे हैं तो हमें आ, जो ट्वेंटी फोर आवर्स जो हमारी ये फेडरेशन देखती हैं गैलेक्टिक फेडरेशन हम भी वहीं से ट्रेवल होके कुछ कुछ अलग अलग लोगों से आए हैं तो अब उनका पार्ट ये हो जाता है कि वो ये देखते हैं कि जब हम मणिपुर चक्र को पढ़ रहे हैं ब्रो ब्रोह चक्र को पढ़ रहे हैं या अनाहत चक्र को पढ़ते हैं तो क्या हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो ये सारा वो कहते हैं ना कि टाइमलेस ये बियॉन्ड टाइम है तो इमिजिएटली महाप्रसाद और प्रसाद जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि जैसे ही आप दूसरे को खाना देते हैं ये नीचे आ जाएंगे आपके पास आपके घर में रहने लगेंगे वो ये कहेंगे कि भाई इससे तो अच्छा घर ही नहीं है इक्वलिटी जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये फेडरेशन के जो हमारे मास्टर्स वो नीचे आ जाएंगे जिस दिन इक्वेलिटी आ गई कर्मों में इक्वलिटी आ गई ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए इन खत्म तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे तो ये हमेशा ये बीच का आप सेंटर जो देख रहे हैं ये सेंटर आ, हमारा भूलोक है जहाँ पर ऊपर जो बाद में जो कन्वर्ट हो जाते हैं ये जो कृष्णा नंदा जी हैं जो बेंगलोर में सप्तऋषि आश्रम है आ, उनकी जो फ्यूचर की जो बुक्स थी अः से मैं कुछ लेकर आई थी जो फ्यूचर बताते हैं वहां पे जो ऋषि मुनि आते हैं वो फ्यूचर बताते हैं तो उसमें भी ये बताया गया था कि अगर अभी बुद्धा कहाँ होंगे जैसे क्वेश्चन आया वहां पे अभी गुरु नानक जी कहाँ होंगे तो उन्होंने कहा कि अब वो अलग अलग अपने दूसरे लोगों का एरिया संभाल रहे हैं क्योंकि उनको और आगे इवॉल्व होना है तो हमारी इनफाइनाइट जर्नीज हैं जिसमें हमें आगे इवॉल्व होते चले जाना अगर हम यहीं पे वो बोझा पकड़ के रखेंगे उसने मेरे साथ ऐसे किया मैं उसके साथ ऐसे करूंगा उसने मेरे साथ ऐसे कर लिया तो फिर तो हम यही लटके रह जाएंगे फिर तो उस भूअर लोक से फिर नीचे फिर भूअर लोक से नीचे फिर भूअर लोक से नीचे तो भूअर लोक को हटाने के लिए ये पिक्चर मतलब मुझे इतनी प्यारी लगी कि मुझे ये लगानी चाहिए गैलेक्टिक फेडरेशन का अच्छा लगा मुझे ये पिक्चर खैर अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जो ह्यूमन कॉस्ट्यूम है ये जो बोर बोरिंग हो जाता ओल्ड हो जाता है तो हम इसको छोड़ना चाहते हैं एज कोई भी हो जैसे स्वामी विवेकानंद बहुत जल्दी चले गए स्टीव जॉब्स ने कहा मैंने अपना काम कर लिया स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरे मेरे लिए अभी इस धरती पे कोई काम नहीं है मैं जा रहा हूँ यहाँ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भी बहुत जल्दी बिफोर फिफ्टी वो चले गए सब ये जितने भी बड़े बड़े हमारे अः uh, मास्टर्स वो जल्दी चले गए उन्होंने कहा अब मैं नेक्स्ट काम करूंगा फिर आगे आऊंगा तो इस तरीके से और साथ में जो ये ब्रेथ का पिक्चर दिखाया ये मैंने कुंडलनी का एक पार्ट दिखाने की कोशिश की है कि ये हमें समझ आए अः की जो ये ब्रीदिंग का जो पार्ट है ये जैसे जैसे हम ब्रीद करते हैं और वैसे वैसे हमारे अंदर जो कलर चेंजेस है ये, ये पोल का आगे मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ ये पिक्चर लिया है तो अलग अलग जो वाइब्रेशन है कलर्स चेंज होते हैं ना तो इससे मैं आगे चलती हूँ इससे आगे चलती हूँ और आगे चलती हूँ पिक्चर ये वाला पिक्चर ये पिक्चर है एटॉमिक जो वेब बोलते हैं इसको तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर है इसमें जो कुंडलनी है आप देख रहे होंगे कि जो कुंडलनी है वो मदर या सरपिंट फायर बोली गई है मदर वो होती है जो बार बार जगाती है अः वो हमें जिंदा रखती है उसको वाइटलिटी भी बोला है जो हमें जिंदा रखने की कोशिश करती है तो माँ की तरह जो ये कुंडलनी है वो काम करती है और एटॉमिक वेब वो होता है जो बीच में आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं ये एक सिंगल लेयर है फिजिकल एटम्स की अ ये इथरिक और एस्ट्रल बॉडी के बीच में जो हमारा दोनों एनर्जीज अलग अलग होती है उसके बीच में एक लेयर होती है अब क्या होता है कि जैसे हम उत्सुक हो गए जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि आज तो भाई मेरे को इक्वलिटी में बिस्किट सबको एक जैसे देने हैं लेकिन कल वही कुंडलनी सो जाएगी तो जब हम बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं आ, हम ये सोचते हैं कि कुंडलनी जाग गई जाग गई तो कुछ रिद्धियां भी सिद्धियां भी आने लगती हैं तो उससे हमारी एस्ट्रल बॉडी और इथरिक फोर्स के ऊपर दोनों की बॉडी के ऊपर इम्पेक्ट आने लगता है तो वो क्या कहते हैं कि कब इम्पेक्ट आता है आप नीचे पॉइंट्स में देखेंगे तो वो कहते हैं इमोशंस फियर एंगर एल्कोहल नार्कोटिक ड्रग्स इन सबका इम्पेक्ट हमारी एस्ट्रल बॉडी के ऊपर आता है और आ, साथ ही साथ जो एटॉमिक वेब है जो ये बीच के जो डॉट्स हैं ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं जैसे हम बहुत गुस्सा करते हैं तो पांच छह दिन हम बेड पे पड़े रहते हैं आ, क्योंकि हमारी दोनों बॉडीज डिस्टर्ब हो जाती है और ये एटोमिक वेब जो है वो वीक हो जाता है तो कुछ इथरिक जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी रिपेयर के लिए लग जाते हैं इसीलिए मेडिटेशन इम्पोर्टेंट होता है कि जो हमारी इथरिक फोर्स है जो सिंपल हमारी वाइटलिटी के लिए लगनी चाहिए वो हम अपने इमोशन से अपने एंगर से गुस्से से ग्रीड से अटैचमेंट से उस फोर्स को वीक कर लेते हैं तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारी इथरिक जो बॉडी है वो रिपेयर होती है और कुछ प्राण जो स्पेशल प्राण होता है वो हमारी रिपेयर में लगता है नीचे एक पॉइंट मैंने लिखा है सिटिंग फॉर डेवलपमेंट जैसे कई आ, मेरे पास एक फोन आया अभी uh, मैम uh, लगभग एक दो तो महीना पहले और लगातार मेरे पास फोन आता रहा उड़ीसा से और uh, वो व्यक्ति जो है कुंडलनी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था नेपाल से रिलेटेड था तो वो फोन आता रहा तो मैं समझ गई थी कि वो बार बार मेरे को इतने बड़े बड़े मैसेज कर रहा था कि मेरी कुंडलनी जाग गई है और मैं अब क्या करूं तो uh, मैं अंडरस्टूड कर गई थी कि वो कहीं उस फॉल्ट में है एंड क्या होता है कि जब आप आ, इसको बोलते प्लेजर हार्मोन्स जो हमने पीछे भी बात की थी कि जो प्लेजर होता है वो नुकसान करता है तो कुंडलनी जागने से उसके सिर और कान और गर्दन उसके बर्न होने लगे थे तो अब वो क्या करता था जिद में उसको मैंने कहा कि भाई आप जितना आपका एज है उतना मेडिटेशन करो या ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट करो कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा लेकिन उसको एक चस्का लग गया जैसे चस्का होता है ना कि मुझे तो करना है दो घंटे में मेरी कुंडलनी जागृत होती है मैं उससे बहुत अच्छा फील करता हूँ मेरी बॉडी के अंदर ऐसे होता है वैसे होता है बहुत सारी चीजें उसने मुझे लिखी आ, लेकिन उसके बाद खैर मैंने ड्रॉप कर दिया उसको क्योंकि वो बार बार मेरे को बता रहा था कुछ कुछ चैनल्स की भी बात कर रहा था तो मैंने कहा भाई आप जो चैनल्स आपको दिखा रहे हैं आप उन्हीं से बात करिए सॉरी मैं आपकी कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती एट लास्ट uh, मैंने वो ड्रॉप ही कर दिया मैंने बंद ही कर दिया उसका फोन तो रीजन बीइंग कि सिटिंग फॉर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ इवॉल्व होने के लिए बैठे हो uh, कुछ अवेयरनेस सीखने के लिए बैठे हो लेकिन अगर हमें उनी चीजों में एक इतना रस आने लग जाए कि हम उस प्लेजर में घुस जाए कि हमारी जो कुंडलनी है वो इतनी जागृत हो गई है तो मीनिंग इतना है कि वो अवेयरनेस कौन सी अवेयरनेस में आप जा रहे हो तो वो चीज भी हमें सीखनी है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं वो मैंने लिखा है नॉट टू फोर्स कि धक्का ना करें अपने साथ जितना आपको अच्छा लगता है उतना ही आप मेडिटेशन करें और उसके बाद अपनी रूटीन में ये कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्योंकि सारा कर्म सिद्धांत मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र में हमारे बिहेवियरल जो साइंसेज हैं आज की डेट में जो साइकोलॉजिकल जो साइंसेज हैं वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से बिलोंग करती हैं जितना भी हमारा बिहेवियर का एरिया वो सारा स्वादिष्ठान चक्र में है और मणिपुर चक्र में है तो इस तरीके से ये जो कुंडलनी है ये जो वेब शीत वेब शीत का मतलब कि हर बॉडी के बीच में एक वेब शीत होता है वो वेब शीत डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए हमें बहुत सोच समझ के अपनी अवेयरनेस के साथ अपने कर्मास को करना चाहिए लिखा भी है कि योगा कर्म सुकोशलम शायद पिछली बार बताया भी था कि बार बार कर्म करने से ही कुशलता आती है यही कुंडलिनी का भी फैक्टर है तो ये ये आ, एक पिक्चर है कि जो हमारा आप देख रहे होंगे इसमें कि आ, जो माइंड है हमारा ट्रूथ इज हार्श Uh, हमेशा ये याद रखना है हमें कि हम uh, किस तरीके से तोलते हैं अपने आप को मन से या बाय हार्ट हम किस तरीके से माइंड फॉरगेट्स बट द हार्ट ऑलवेज रिमेम्बर्स तो हमारे ऊपर जो इम्प्रिंट्स आते हैं वो इम्प्रिंट्स जो है सोल इम्प्रिंट्स हमेशा वो हमें uh, वो हमेशा हमारे ऊपर इम्प्रिंट रहते ही हैं और कुंडलनी जो है वो हर एक प्लेन में होती है इसलिए हमारी फिजिकल बॉडी तो यहीं रह जाती है वो पंचतत्व में लीन हो जाती है लेकिन जो हमारी कुंडलनी है वो हर एक प्लेन में हमारी जो एनर्जीज हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ साथ चलती है इसीलिए हम बोलते हैं ना बुद्धिकर्म अनुसारणी कर्म अनुसारणी का मतलब अगर इतनी सी भी अवेयरनेस हमें आई है हम कौन से लेवल पे पहुंचे हैं उसके बाद से हमारी नेक्स्ट जर्नी शुरू होती है पीछे नहीं जा सकते हम तो ये हमारा जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स इस तरीके से हमारे थोड़ा और डिटेल है ये हम शायद नेक्स्ट में कर ले तो ज्यादा बेटर है और ये जो एक स्लाइड लगाई है मैंने कि कुंडलनी अवेकन एट द एस्ट्रल लेवल एंड टू द सेकेंड सेंटर नियर नेवल विविफाइड मतलब कि विविफाइड का मतलब होता है कि जाग गए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ना जागना हो गया कि जैसे ही कोई गेस्ट आया आपने बिल्कुल आप अवेयरनेस में ही काम कर रहे हैं जैसे ही आप दूसरों को खाना दे रहे हो आप अवेयरनेस में काम कर रहे हो तो ये जागना होने के बाद फिर हम जो कुंडलनी है देन पासिस ऑल चक्रास फिर वो पास करती है ऑटोमेटिकली वो फ्लो हमें फिर ऊपर के तल तक जगाना सिखाती है तो कुंडलनी का बहुत बड़ा पार्ट है पर धीरे धीरे वो इन्वॉल्व हो रहा है इसमें तो हम धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाएंगे ओके थैंक यू